आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी रकम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो आयुष्मान योजना का तीसरा फेज हुआ शुरू, मोबाइल ऐप के जरिए खुद ही ऑनलाइन बनवा सकेंगे कार्ड, मिलेगा 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस। आयुष्मान योजना का तीसरा फेज जो है शुरू हो गया है, तीसरे फेज में कार्ड बनवाने के प्रोसेस को आसान बनाया गया है। इस बार आप खुद ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आयुष्मान कार्ड बनवा सकेंगे। इस बार सेल्फ रजिस्ट्रेशन मोड में लाभार्थी के पास वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी, आईरिस और इसके अलावा फिंगरप्रिंट और फेस आधारित वेरिफिकेशन का ऑप्शन होगा। रजिस्ट्रेशन घर बैठे स्मार्टफोन के जरिए संभव हो सकेगा। लोगों को इसके लिए अब मोबाइल फोन पर आयुष्मान कार्ड ऐप का इस्तेमाल यहां पर करना होगा। इस योजना के तहत हर साल जो है 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज जो है मोदी सरकार की ओर से दिया जाएगा। यानी अगर आप कहीं भी हॉस्पिटल में अगर भर्ती होते तो 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो फ्री इलाज सरकार की ओर से, उसके पैसे सरकार देगी। वह इसके लिए लाभार्थी का नाम जो है आयुष्मान कार्ड जारी सरकार की ओर से किया जाएगा। इस कार्ड के मद से लाभार्थी योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी में प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का जो इलाज जो है वो मुफ्त में करवा सकेंगे। बाद हम कहते हैं अगली खबर की। तो इलीगल लोन ऐप पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है सरकार, एप्पल और गूगल को जारी किए हैं निर्देश। सरकार गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर मौजूद अवैध लोन ऐप्स पर नकेल कसने की योजना बना रही है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री जो है राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने समाचार एजेंसी एनआई को ये जानकारी यहां पर दी। उन्होंने कहा है कि सरकार एक नियम बनाने की सोच रही है जिससे इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ मंजूरी वाले लोन ऐप्स को ही जगह मिल सके, ऐसा सरकार करेगी। इससे इंटरनेट को सभी के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने यहां पर रखने में मदद मिलेगी। वह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के जो मंत्री जो है, आईटी मिनिस्टर जो है राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने बताया है कि आज गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनका इस्तेमाल भारतीय करते हैं। हम एप्लीकेशन के लिए आए आवेदनों पर नजर यहाँ पर रख रहे हैं। इसके अलावा हमने गूगल और एप्पल दोनों को एक सलाह भी यहाँ पर जारी की है, उन्हें असुरक्षित और गैर कानूनी ऐप्स को अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं शामिल करना चाहिए। उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि इंटरनेट सभी डिजिटल नागरिकों के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय हो, इसी के लक्ष्य पर हम काम कर रहे हैं। इसके लिए हम जल्दी आरबीआई के साथ बैठक की योजना बना सकते हैं ताकि इन ऐप्स को जल्द से जल्द जो है व्हाइट लिस्ट बनाया जा सके। मतलब कहते हैं अगली खबर की। तो एमपी में शिवराज सरकार का चुनावी दाव, लाडली बहना आवास योजना हुई है लॉन्च, अब मिलेगा पक्का घर। मध्य प्रदेश में इन दिनों सरकारी योजनाओं की बारिश हो रही है। राज्य के सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान, वो चुनाव से पहले एक के बाद एक लगातार योजनाओं की छड़ी लगा रहे हैं। अब उन्होंने एक और बड़ा चुनावी दाव चल दिया। दरअसल शिवराज की चर्चित लाडली बहना योजना है, उसके बाद अब लाडली बहना आवास योजना सरकार ने लॉन्च की है। वह इस योजना के तहत महिलाओं को पक्का घर बनाने के लिए सरकार की ओर से मदद मुहैया कराई जाएगी। सीएम शिवराज सिंह ने खुद जाकर महिलाओं के फॉर्म भरे। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं से कहा कि हर गांव में लाडली बहना आवास योजना के फॉर्म भरे जाएंगे, लिहाजा आप इसमें 100 से 200 रुपए देने के चक्कर में मत यहाँ पर पड़ना। इस तरह कोई भी यहाँ पर गड़बड़ी करेगा तो उसे ठीक भी यहाँ पर कर देंगे। वही बात में ऐसी योजना शहरों में भी लाएंगे। बता दें आपको कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पर राज्य सरकार ने लाडली बहना आवास योजना जो है एमपी के अंदर जो है वो शुरू की है। वही इसमें यहाँ पर लाडली बहना आवास योजना जो है इसके तहत कच्चे घरों में रहने वाली महिलाओं को पक्का घर मुहैया कराया जाएगा। इस योजना में वे परिवार पात्र होंगे जिनके नाम आवास प्लस की सूची में नहीं होंगे। ऐसे परिवार जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं है, ऐसे परिवार जो 2 कमरे वाले कच्चे मकान में रहते हैं, जिनकी सालाना आय जो है 1,45,000 रुपए तक है, जिनके पास 2.5 एकड़ तक की जमीन है, इस योजना के वो पात्र नहीं होंगे। जिनके पास 4 पहिया वाहन है या जो परिवार के कुछ सदस्य सरकारी नौकरी में हो। वह सीएम शिवराज ने कहा है कि मेरा सपना है कि लोग झोपड़ी बना रहे सबों को यहाँ पर पक्का मकान जो है वो दिया जाए। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, देखिए इन लोगों को मिलेगा गारंटी फ्री 50,000 रुपए तक का लोन, ब्याज पर मिलेगा 50% छूट। हिमाचल प्रदेश ने छोटे उद्यमों और मोची यानी दर्जी, नाई और सब्जी विक्रेताओं जैसे स्किल बेस्ड वर्कर्स को गारंटी मुक्त लोन देने की योजना शुरू करने का ऐलान किया है। दरअसल बात यह है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के आधिकारिक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री लघु दुकान कल्याण योजना शुरू की गई है। इस योजना के लिए 40 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। इसके शुरुआती चरण में 18 से 55 आयु वर्ग के आने वाले 75,000 लोगों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। बयान के मुताबिक राज्य सरकार ने छोटे पैमाने के उद्यमों को वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए गारंटी फ्री लोन देने की बात कही है। वह उन्हें 50% की पर्याप्त जो ब्याज सब्सिडी, उसके साथ 50,000 रुपए तक का आसान लोन मुहैया कराया जाएगा। वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इस योजना का
लक्ष्य छोटा जो छोटे जो उद्यमी जो है उनको सशक्त बनाना है और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार वित्तीय संस्थानों तक पहुंच बनाने में अक्सर बाधाओं का सामना करने वाले लोगों को महत्वपूर्ण समर्थन देने की सोच रखती है, इसे राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। तो किन किन लोगों को मिलेगा लोन, तो बता दें आपको कि ये जो योजना है, इस योजना के दायरे में छोटे उद्यमियों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले मोची दर्जी, नाई, मोबाइल रिपेयर करने वाले विक्रेता जैसे कौशल आधारित श्रमिक और सब्जी फल विक्रेता और खुद का व्यवसाय करने वाले लोगों को शामिल किया जाएगा।